वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम एकजत कौर है। मेरी साखी का विषय है हरिद्वार दी साखी। जदों श्री गुरु नानक देव जी पहली उदासी समय सुल्तानपुर लोधी तो चल के अहमदाबाद तो होंदे हुए हरिद्वार विखे पहुँचे तो उत्थे की वेखते हैं कि लोग गंगा विच खलो के चढ़ते पासे वल नूं पानी सुट रहे हैं। बाबा जी ने उन्होंने कुछ नहीं किया, सगों बाबा जी भी गंगा विच खलो के लेंदे पासे वल नूं पानी सुट्टन लग पे। लोगों विच रौला पै गया, ओ देखो बाबा जी की कर रहे ने। लोग हैरान होके बाबा जी ने पूछन लगे, बाबा जी ये तुसी की कर रहे हो? बाबा जी कुछ ना बोले, सगो उन्होंने पूछन लगे कि तुसी इधर नूं पानी क्यों सुट रहे हो? वह कहन लगे, असी तो अपने स्वर्ग जा चुके वड़े वडेरियां नूं पानी दे रहे हाँ। बाबा जी कहन लगे, मैं तो अपने पंजाब खेतों नूं पानी दे रहा हाँ। ये सुन के लोग उच्ची उच्ची हसन लग पे ते कहंदे, तुहाडा पानी तो तुहाडे पैरां विच डिग रहा है, तुहाडा पानी सैकड़े मील दूर किवें जा सकता है? बाबा जी कहन लगे, जे मेरा पानी सैकड़े मील दूर नहीं जा सकता तो तुहाडा पानी करोड़ा मील दूर किवें जा सकता है? ये सुन के लोगों विच चुप छा गई ते एक दूजे दे मूँह वल देखन लग पे। गुरु जी ने उन्होंने सच का राह दिखाया, जिस कारण बहुत सारे लोगों ने सिखी धारण की। सो इस साखी तो सानू यह सिक्ख्या मिलती है कि असं भी अपने गुरु जी दख्यावान अपना के अपना जीवन सुधारीए, फोके वहमा के कर्मकंडा तो दूर रहीए, वहमा परमा ना पहीए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।